क्या पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्या अपनी नई जिंदगी मनीष दुबे के साथ बिताएंगी? दुबे जी के साथ क्या शुरू होगी ज्योति मौर्या की नई जिंदगी की पारी? एसडीएम ज्योति मौर्या का होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के साथ अफेयर का मामला लंबे समय से चर्चा में है। ज्योति मौर्या के पति सफाई कर्मचारी आलोक मौर्या ने उन पर कई आरोप लगाए थे और उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था, लेकिन अब खुद आलोक मौर्या ने कह दिया कि उनकी पत्नी पाक साफ है, तो क्या आप ज्योति मनीष दुबे से शादी करेंगी? एसडीएम ज्योति मौर्या लंबे समय से मुश्किलों में घिरी हुई थी और जिंदगी को मुश्किल बनाया हुआ था। खुद उनके पति आलोक मौर्या ने, सफाई कर्मचारी आलोक मौर्या ने अपने एसडीएम पति पर कई आरोप भी लगाए थे, जिनमें से सबसे गंभीर आरोप थे कि भ्रष्टाचार के यानी करप्शन के मामले उन पर लगाए गए थे। आलोक मौर्या के मुताबिक ज्योति मौर्या एक भ्रष्ट ऑफिसर है यानी एक करप्ट ऑफिसर है और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपए की कमाई की है। ज्योति मौर्या के खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा था, तो दूसरी तरफ आलोक मौर्या सोशल मीडिया पर भी ज्योति के खिलाफ जहर उगल रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ज्योति मौर्या की जिंदगी में खुशियों ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। आखिर अब हो क्या गया है? कुछ दिन पहले ज्योति ने कबूल किया था कि उनका रिश्ता मनीष दुबे से है और वो उनके साथ अपनी जिंदगी शुरू करना चाहती हैं, क्योंकि ज्योति मौर्या ने कहा था कि किसी के साथ नई जिंदगी शुरू करने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने बताया है कि उनके और उनके पति आलोक मौर्या के बीच काफी समय से रिश्ते में खटास है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं और अब वो मनीष दुबे के साथ अपना भविष्य देखती हैं। लेकिन अब तक ज्योति मौर्या के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ केस चल रहा था, उनके सारे मामलों की जाँच चल रही थी और जो आरोप ज्योति मौर्या के पति ने उन पर लगाए थे। दरअसल इस मामले की शुरुआत ही मनीष दुबे की एंट्री से हुई। मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट हैं। मनीष दुबे अब जब सामने आए हैं, तब ज्योति के पति आलोक मौर्या ने ज्योति और मनीष दुबे के अफेयर को लेकर खबरें सोशल मीडिया पर फैला दी। आलोक मौर्या ने ज्योति और मनीष पर अवैध संबंध होने के आरोप लगाए और साथ ही ये भी कह दिया कि दोनों मिलकर उन्हें मरवाना चाहते हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर आलोक मौर्या को काफी सहानुभूति मिली और ज्योति को काफी ट्रोल किया गया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com। आरोप ज्योति मौर्या के पति ने उन पर लगाए थे। दरअसल इस मामले की शुरुआत ही मनीष दुबे की एंट्री से हुई। मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट हैं। मनीष दुबे अब जब सामने आए हैं, तब ज्योति के पति आलोक मौर्या ने ज्योति और मनीष दुबे के अफेयर को लेकर खबरें सोशल मीडिया पर फैला दी। आलोक मौर्या ने ज्योति और मनीष पर अवैध संबंध होने के आरोप लगाए और साथ ही ये भी कह दिया कि दोनों मिलकर उन्हें मरवाना चाहते हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर आलोक मौर्या को काफी सहानुभूति मिली और ज्योति को काफी ट्रोल किया गया। सोमवार के दिन इस मामले में सुनवाई होनी थी, तो अचानक आलोक मौर्या ने सारे आरोप वापस ले लिए। आलोक मौर्या ने इसकी कोई वजह नहीं बताई। हाँ, लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें लिखा है कि वो सोच समझकर इस केस को वापस ले रहे हैं। इसके पहले उन्होंने ज्योति के खिलाफ सारे सबूत होने की बात की थी। उन्होंने एक लाल डायरी का भी जिक्र किया था जिसमें पैसे के लेन देन के सारे सबूत हैं। ज्योति के लिए फिलहाल ये सबसे बड़ी कामयाबी है। ज्योति मौर्या के प्यार के रास्ते में आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो अपनी जिंदगी मनीष दुबे के साथ क्या शुरू कर पाएंगी? हालांकि इस मामले में अभी भी प्रशासन को तय करना है कि जांच होगी या नहीं। ज्योति ने भी आलोक के खिलाफ केस दर्ज किया हुआ है। अब देखना यह है कि क्या वो इस केस को वापस लेती है। हो सकता है कि दोनों के बीच समझौता हो गया और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। बता दें कि ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या की दो बेटियां भी हैं। फिलहाल ज्योति के 60 हैं, तो आपको लगातार बताते चलें। कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अब बात चल रही है दोनों बेटियों की, तो उनका आखिर फ्यूचर क्या होगा? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।